तीन सिफर से टी ट्वेंटी सीरीज हारने के बाद चौथे टी ट्वेंटी मैच में टीम में अकाल पिचा, टीम में कई तब्दीलियां, चौथे टी ट्वेंटी मैच का टाइम भी तब्दील हो गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा टी ट्वेंटी मैच कब किस जगह पर खेला जाएगा, किस टाइम पर खेला जाएगा, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम बात करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज के बारे में, तो पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 46 रन से, दूसरे मैच में 21 रन से और तीसरे मैच में 45 रन से शिकस्त दी। चौथे टी ट्वेंटी मैच के हवाले से बात करें तो 19 जनवरी को क्रिस्टचर्च में खेला जाएगा, जिसका टाइम तब्दील कर दिया गया है। तीसरा टी ट्वेंटी मैच जो कि 5 बजे शुरू हुआ था, अब चौथा टी ट्वेंटी मैच 11:10 पर शुरू होगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान के चौथी टी ट्वेंटी मैच में प्लेइंग 11 के बारे में, तो ओपनर मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया जा सकता है। तीनों मैच में उन्होंने कोई खतरनाक कारकर्दगी न दिखा सके, इसलिए साहिबजादा फरहान को भी आजमाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सीरीज हार चुका है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आजम खान को भी ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। हो सकता है कि उनकी जगह पर हसीबुल्लाहान, जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज है, उनको शामिल किया जाए। उसके अलावा आमिर जमाल को भी किसी खिलाड़ी की जगह पर शामिल किया जा सकता है।